हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ येलो अलर्ट्स के बारे में। येलो अलर्ट्स इसका मतलब, पहले कुछ तो भी सिग्नल हमको मिलते हैं, वो हमको अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं कि आगे कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है। तो जो सिग्नल्स है, वो जो सूचनाएं हैं सावधानता की कि भाई आगे कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है, तो वो सूचनाओं की तरफ ध्यान देना, वो सूचनाओं को बोलते हैं येलो अलर्ट्स। मतलब जब भी कभी कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई दुष्परिणाम होता है, कोई हमें सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, या कोई झंझट झगड़े होने वाले, कोई स्टाफ छोड़ने वाला है, या जैसे परिणाम चाहिए वैसे परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो एकदम एकाएक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज के आज ही आपका स्टाफ छोड़ गया, वो कोई आपका इंपॉर्टेंट आदमी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड महत्व का आदमी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और वो एकाएक एक दिन छोड़ के नहीं जाएगा। उसके पहले वो काफी सावधानता की आपको सूचनाएं देते जाएंगे, उसको बोलते हैं येलो अलर्ट। हो सकता है कि वो लेट आएगा, लेट आना चालू करेगा, जो एकदम टाइम पे आने वाला आदमी लेट आ रहा है। हो सकता है कि वो एरोगेंटली बात करना चालू कर देता है। हो सकता है कि वो बिना बोले घर बैठ जाता है। हो सकता है कि वो झगड़े झंझट फिसाद करता है कुछ तो भी, या कोई पैसे की अफरा तफरी करता है, कुछ तो भी करेगा वो, कुछ तो भी छोटे छोटे अलर्ट मिल जाते हैं और बाद में फिर वो छोड़ देगा। तो ऐसे कौन से येलो अलर्ट है कि जैसा कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट ऐसा एकाएक नहीं होता कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा एकाएक एक्सीडेंट नहीं होता। उसके पहले कुछ ना कुछ अलर्ट मिलता है कि जैसे आपकी गाड़ी बराबर नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी आपने बराबर सर्विसिंग नहीं किया टाइम पे, या रात को आपके पास में फोर व्हीलर है ना, चार पहिया गाड़ी है, मतलब कार है आपके पास में, और तभी भी आप रात को स्कूटी के ऊपर जा रहे हैं, मालूम है कि वहाँ रास्ते में बहुत कुत्ते बैठे रहते हैं और वो आपको पकड़ लेंगे और गिर जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, या ऐसा रात को बहुत ज़्यादा खाना खा रहे, इनडाइजेशन हो रहा, तो वो येलो अलर्ट है कि कल आपकी तबीयत खराब होने वाली है। मीटिंग में आप बैठे हो और मीटिंग में आप बैठे हो और आप बात नहीं कर रहे हो, आपको मालूम है कि मीटिंग में जो प्रस्ताव सामने आ रहा है और जो प्लान लोगों ने दिया है मीटिंग के बाकी लोगों ने, वो काम करने वाला है नहीं, तो वो येलो अलर्ट है बाकी लोगों के लिए। आप बोल नहीं रहे हो उनको कि मैं इससे मानता नहीं या मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप बोलते नहीं हो, और वो बाद में फिर वो असफलता मिलती है। झंझट झगड़े डाइवर्स होता है फॉर एग्जाम्पल। अब डाइवर्स मियां बीवी का एकदम ऐसा एकाएक नहीं होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ चालू रहता है, एक दिन उसका बम स्फोट हो जाता है। तो येलो अलर्ट में हम बोलते क्यों नहीं लोगों को, या येलो अलर्ट में उसका हम लेते क्यों नहीं है, मतलब उसका कॉग्नाइजेंस बोलो या उसकी सूचना हम लेते क्यों नहीं है सीरियसली कि नहीं, ये येलो अलर्ट है उसको पकड़ लो। क्योंकि उसको हम यदि पकड़ लेते हैं तो वो अपने लिए अनकंफर्टेबल होता है। मतलब मुझे मालूम है कि ये प्लान फेल होने वाला है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे तुम करो फिर, इसलिए फिर मैं बोलता नहीं। मीटिंग में लोग बैठे हुए और एक मीटिंग में आदमी महत्व का आदमी बातचीत नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है, इसका मतलब उसके मन में कुछ तो भी है, तो उस समय मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, आप चुप क्यों बैठे हो, तो वो येलो अलर्ट है कि वो कुछ तो भी गड़बड़ करने वाले हैं आगे चल के, वो असहमत नहीं है, और मैं उसको बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बोलना, या फिर वहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो एक तो ऐसा येलो अलर्ट का कॉग्नाइजेंस लेना, मतलब उस वो सावधानता अपने को जो कोई सूचनाएं मिलती है उसको पकड़ लेना और वहीं एक्शन लेना, वहीं उसको मतलब न्यूट्रल कर देना, वो अपने लिए अच्छा नहीं लगता इसलिए अपन थकाते हैं, चलो चल कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी एक मेरा दोस्त है, बिजनेसमैन है, तो वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस चालू करने वाला था और उसके पार्टनर के साथ में उसकी मीटिंग थी, दोनों मिलके बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। तो उसकी चर्चा करने हेतु वो एक होटल में रात को खाना खाने गए। खाना खाते समय जब चर्चा हो गई, प्लान हो गया बिजनेस का क्या करना क्या नहीं,
और खाना खाने के बाद में वो दूसरे पार्टनर ने, मतलब मेरे तरफ जो आया था उसके दोस्त ने, उसके पार्टनर ने वो वेटर को टिप दे दिया बहुत ज़्यादा, उसको बोले कि बिल कम करके ला ले। अब जैसे ये मेरे दोस्त ने जो बिजनेसमैन था, जिसने ये देख लिया, जिसका वो पार्टनर बनने वाला था, तो उसके लिए वो येलो अलर्ट था। कभी हम करते क्या है कि नहीं नहीं अच्छा अपने को बहुत अच्छा पार्टनर मिला कि जो ऐसा एडजस्टमेंट करवा लेता है, अपना धंधा बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ये अभी अपना हाथ बता रहा है, अभी वो वेटरों को मैनिपुलेट कर रहा है, धंधे में भी वही करेगा। तो ये येलो अलर्ट है। मेरा जो दोस्त मेरे पास में आया था वो बोले कि उस दिन मैंने उसको बोल दिया कि मुझे आपके साथ में धंधा करना नहीं है क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम देने वाला, ये येलो अलर्ट है। तो इस तरह के येलो अलर्ट्स अपनी ज़िंदगी में बहुत रहते हैं और उसको हमने पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के कोई बड़ा ब्रेकडाउन ना आए। किसका चेक बाउंस हो जाता, वो येलो अलर्ट है कि पार्टी में कुछ तो भी गड़बड़ है यदि चेक बाउंस हो रहा है। तो टाइम पे पैसे देने वाला आदमी पैसा दे नहीं रहा है आपको, बोलता कि नहीं मैं कल दूंगा, फिर कल का बोलता परसों दूंगा, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, अभी पकड़ लो, अभी उसके साथ में ज़्यादा व्यवहार मत करो। तो जो भी आपके आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना चाहिए, और यदि पकड़ लेते हैं तो आगे चल के आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा नहीं, बहुत नुकसान टल सकता है। तो ये सावधानता ये मुझे देना है। आपके संपर्क में बहुत सारे लोग आते होंगे कि जो ये येलो अलर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते होंगे, पकड़ते नहीं होंगे। आपको भी ये भी वीडियो सुनने के बाद में लगता होगा कि हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे येलो अलर्ट्स छोड़ दिए और बाद में बहुत नुकसान सहन करना पड़ा। तो ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, जिनको जिनको ये प्रॉब्लम, पता नहीं आपके दोस्तों में, लोगों में, आपके फ्रेंड्स में कितने लोग प्रॉब्लम होंगे। तो ये ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके फेसबुक के, आपके ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को शेयर करो ये वीडियो, उसकी लिंक शेयर करो, उसको जरूर लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।